ज्यादा समय तक इन्हें ऐसे भटका नहीं पाएंगी, इसलिए भटकाती बन आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और इन पर ऐसा जादू कीजिए कि इन्हें इस द्वार के सामने एक दीवार दिखाई दे और ऐसा ही द्वार दूसरी दिशा में दिखाई दे। ये आपने अच्छी युक्ति बताई है बालवीर। चिंता मत कीजिए, अभी ने मैं खुद रुकूंगा, लेकिन उसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं बालवीर। अच्छाई के सब गीत गाए, ये दानव यही अटक जाए। दरी परी है, इसका मतलब आपके पास डराने की शक्ति है। डराओ इन देवताओं को। आप सही कह रही हैं। बुराई के बादल कभी न छाएं, सारे दानव धुआं बन के उड़ जाएं। परी, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा था आपको मत निकालो अपने बेकार दिमाग से बेकार आइडिया। हाँ बॉस, आप अपने जेब से सिर्फ पिज्जा और बर्गर के पैसे निकालते वक्त अच्छा लगता है। सही बात है, जितने पिज्जा बर्गर नहीं खाए उससे ज्यादा तो झटका खाए। बस बहुत हो गया। बस बहुत हो गया मोटू, अब खबरदार। चुप। बस बहुत हो गया उन पिद्दियों का बचना, अब वो पिद्दी मुझसे नहीं बच पाएंगे। अब पीछे से नहीं, सीधा सीधा वार करेंगे उन पे, उनके घर जाएंगे। जो पिद्दी मिले उसे उठाकर यहाँ लाएंगे और उसकी डबल वाट लगाएंगे। जितने झटके हम तीनों को मिले उससे डबल झटके उनको देंगे। पहले इसके देखले मुझे कोई यहां हूं बन जाता मैं बल्लू
और वो जाता अंदर। हाँ, बन गया मैं बल्लू, जाता हूँ घर के अंदर। बॉस, बल्लू, मतलब बल्लू, और वो भी अकेले है। यही सही मौका है उसे उठाने का। इसने ही हमारी बैंड बजाई थी ना, तो अब देखना हम सबसे पहले इसकी बैंड बजाएंगे। उठाओ रे बेवकूफ, मुझे नहीं, उस बल्लू लल्लू को उठाओ। महाभस्म को कैद करना इतना आसान नहीं है। महाभस्म पर इस सबसे आज तुम बच नहीं पाओगी, क्योंकि आज हम तुम्हें तुम्हारी सही जगह यानी सर्वदा कैद खाने में कैद कर देंगे। महाभस्म के वार अभी तक समाप्त नहीं हुए रानी परी। अब मैं महाभस्म परी के पैरों पर ऐसा जादू करूंगी जिससे वो जहां है वही जम जाएगी, फिर वो यहां से उड़ नहीं पाएगी। बेवकूफ रानी परी, भूल गई, बड़ी बुरी हूं मैं, मन पड़ सकती हूं मैं। महाभस्म परी के सर पे वशीकरण वार करके उसे अपने वश में कर लेती हूं। अब हम आपके गोले बरसाएंगे, देखते हैं उनसे कैसे बचती हो तुम महाभस्म परी। आग के गोले क्या, अगर आग के पर्वत भी बरसाओगी तो भी बच जाऊंगी मैं, क्योंकि इस बार वार मेरा होगा और वो भी मेरा मन बदलवार। छोड़ दो मुझे, नहीं कर रहे हो तुम लोग सही। हाँ तो वैसे भी मोंडबोस कौन सा अच्छा काम करते हैं। सॉरी सॉरी, पिटाई चालू करो। अरे बेवकूफ, मेरी नहीं बल्लू की। सॉरी सॉरी बोस। बॉस भूख लगी है इसलिए पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हाँ मंडू बॉस, वैसे भी बल्लू को मारने के लिए थोड़ी ताकत तो चाहिए ना। हाँ ठीक है, पहले खाएंगे फिर इस बल्लू की बैंड बजाएंगे। हाँ तो लेके आना मेरे लिए हिम क्रीम भी। चुप चुप। अरे पर तुमने क्या किया रानी परी, मेरे हाथ पर वार करके मेरी मन बदलने की शक्ति नष्ट कर दी। हमने कहा था ना कि बुराई का अंत बुरा ही होता है। हमने मन में तो जरूर सोचा था कि हम तुम पर आग के गोले बरसाएंगे, लेकिन वार तो हम तुम्हारे हाथ पर ही करना चाहते थे, ताकि फिर कभी तुम अपनी मन बदल तितली से किसी का मन ना बदल सको।
महाभस्म परी, अब कैद होने के लिए तैयार हो जा। रानी परी, महाभस्म परी भागने की कोशिश कर रही है। आज मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। रुक जाइए बालवीर, जाने दीजिए उसे। तितलियों के रूप में उसे पकड़ पाना असंभव, और वैसे भी वो अपनी मन बदल शक्ति के बिना कमजोर और अधूरी है। हाँ बालवीर, वैसे भी आपका मकसद तो मेहर को बचाना था। हाँ बालवीर, और अब मेहर सुरक्षित है। मेहर, मेहर आप ठीक तो है ना? हाँ रानी परी। बालवीर, आप मेहर को लेकर पृथ्वी लोक जाइए और इनको इनके परिवार से मिलवाइए। थैंक यू रानी परी, थैंक यू परियो, आप सबकी वजह से आज मैं अपनी फैमिली से मिल पाऊंगी। हाँ मेहर, हम भी बहुत खुश हैं कि आप सुरक्षित हैं। अब आप अपने घर जाइए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरा मतलब है कि जाने से पहले क्या मैं आपके गले लग सकती हूँ? थैंक यू। बालवीर, अब आप मेहर को लेकर जाइए। चलो मेहर। चलो परियों, परी लोग चलो। I'm sorry बालवीर, वो हमेशा मैं तुम्हें मतलब बल्लू को लल्लू कहती थी। अगर मुझे पता होता कि तुम बल्लू लल्लू मतलब तुम बालवीर हो तो मैं तुम्हें कभी लल्लू नहीं कहती। सॉरी। अरे मेहर, नहीं नहीं, कहते कहते ही तुमने मुझे तीन बार लल्लू कह दिया। सॉरी। वो मेहर, अब चिंता मत करो, वैसे भी समय आ गया है तुम्हारी याददाश्त को मिटाने का। ठीक है, अपनी आंखें बंद कर लो। हिल क्यों रही बल्लू? तुम? अरे बल्लू तो तुम, मैं तो हूँ डुबा डुबाए। हाँ, लेकिन तुम इस बोरी में बंद कैसे हो गए डुबा डुबाए? भेजा था मुझे रानी परी ने तुम्हारा रूप लेकर, ताकि मैं रहूं बल्लू बनकर। लेकिन वो शैतान मोंटू रहे केवल समझ के मुझे बल्लू बांध दिया मुझे इस बोरी में। लेकिन आ गए तुम और कर दिया सब ठीक। वैसे हो गया ना वहां सब ठीक? मेहर है ना सुरक्षित? हाँ डुबा डुबाए, मेहर सुरक्षित है, और परी लोग भी, और महाभस्म परी को उसके किए की सजा भी मिल चुकी है। बालवीर, तुम यहाँ? बल्लू लल्लू, तूने इस बोरी को स्कर्ट की तरह क्यों पहना है? वो मैं बल्लू तो हमेशा की तरह बकरी की तरह मैं ही कर। अच्छा बालवीर, तुम बताओ, मैं तो प्लेन में थी, फिर यहाँ कैसे? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मेहर, तुम चिंता मत करो, तुम विमान में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? मेहर, वो बल्लू तुम्हें घर जाते जाते बता देगा। और फिर मैं घर में सबको बताऊंगी। नहीं मैं, तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी, क्योंकि जब मैं तुम्हें बचा रहा था तब तुम्हारी जगह मैंने किसी और को मेहर बनाकर तुम्हारे परिवार में भेजा था, ताकि तुम्हारा परिवार परेशान ना हो, इसलिए। बस बालवीर, मैं सब कुछ समझ गई, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, अब बल्लू मेहर अब घर जाओ। ठीक है, बाय बालवीर। चलो मेहर। चल।
पेट तो भर गया ना। अब एक काम करो, इस बल्लू की पिटाई शुरू करो। चल। पत्थर पत्थर बोलू बोलू पत्थर मोंटू रोहित केवल बालवीर जी हाँ मैं और बल्लू ने मुझे बुलाकर सब बता दिया। अब तुम तीनों की खैर नहीं। हे अटकाती परी, मोंटू रोहित केवल मुझसे बचकर भाग ना पाए, जहां पे है वो वहीं रुक जाए। बुराई चाहे परीलोक में हो या पृथ्वी लोक में, मेरे होते हुए वो अच्छाई से बचकर भाग नहीं सकते। रानी परी, वार करके मेरी मन बदल शक्ति को बेकार कर दिया। अब बिना अपने शक्ति के मैं बालवीर से कैसे लड़ूंगी, कैसे करूंगी परीलोक का विनाश, अपने हार का बदला कैसे? बड़ी बुरी है आप। अरे है नहीं बैठ सकती आप ऐसे हार कर, कुछ नहीं होगा ऐसे बैठने से। इसलिए खोलिए अपने पंख और भरिए बुराई की उड़ान फिर से। नहीं तबा तबा, मैं अपनी सबसे बड़ी शक्ति मन बदल शक्ति के बिना कमजोर, और इस समय बालवीर पर कोई भी वार करना ठीक नहीं होगा। नाम बड़े और दर्शन छोटे, निकले आपके इरादे भी खोटे। लेकिन ये तोबा तोबा है नहीं कोई सिक्का खोटा। चलेगा अभी भी वो बुराई के बाजार में और जाएगा पृथ्वीलोक और ले लेगा आपकी हार का बदला उस बालवीर से। अच्छा, जिस बालवीर से महाभस्म नहीं लड़ पाई उससे तुम लड़ोगे? नहीं, वो नहीं लड़ सकता बालवीर से, लेकिन लड़ तो सकता हूँ बल्लू से, क्योंकि होता नहीं वो बहुत शक्तिशाली बल्लू के रूप में। इसलिए करूंगा मैं वार बल्लू पे, और बल्लू समाप्त तो बालवीर समाप्त। आप बस दे दीजिए मुझे कोई ऐसा शस्त्र जिससे करूं मैं अंत उस बल्लू का। ठीक है, एक बार तुम भी कोशिश करके देख लो। ये लो, इसे छूते वो भस्म हो जाएगा। हाँ तो समझ लीजिए, हो गया भस्म वो बालवीर। हूँ मैं बालवीर उर्फ बल्लू, आ रहा हूं मैं। बच के रहना तुम तो।